अर्जुन मेन बैटल टैंक्स की डिलीवरी इंडियन आर्मी को इस साल स्टार्ट होने वाली थी और टोटल 118 यूनिट्स को अगले 3 से 4 साल तक डिलीवर किया जाना था। बट अभी ये पूरा डिलीवरी शेड्यूल इन टैंक्स का ये पूरा डिलीवरी शेड्यूल डिले होने वाला है और उसका रीज़न है इन टैंक्स में यूज़ होने वाले जर्मन इंजन्स की सप्लाई चेन की प्रॉब्लम। एएनआई न्यूज़ के अकॉर्डिंग जर्मन कंपनी एमटीयू द मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज इंजन्स, जिसके द्वारा इन इंजन्स को सप्लाई किया जाना था, उसने इन इंजन्स की प्रोडक्शन में काफ़ी डिले बताया है। एमटीयू ने कहा है कि उनको 48 मंथ्स का टाइम चाहिए टू रीस्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ दीज टैंक इंजन्स। अभी ये इशू क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, बट अभी पहले इन अर्जुन टैंक्स के ऑर्डर को देखते हैं। अर्जुन के Mk1A वेरिएंट्स की 118 यूनिट्स का ऑर्डर एमओडी ने 2021 में प्लेस किया था विद द हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री आवड़ी चेन्नई, और 7523 करोड़ का ये टोटल ऑर्डर था। नाउ ये Mk1A वेरिएंट्स इंडियन आर्मी में ऑलरेडी ऑपरेशनल अर्जुन Mk1 वेरिएंट्स का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है विद मोर अपग्रेडेशंस एंड एडवांसमेंट्स। 72 न्यू फीचर्स हैं और 14 मेजर अपग्रेडेशंस हैं, बट जो इनको पावर देने वाला जो इनका मेन कंपोनेंट है द इंजन, जर्मन इंजन्स की अनअवेलेबिलिटी के कारण इनका जो डिलीवरी शेड्यूल है वो हिट होने वाला है। और अभी जो करंटली अर्जुन Mk1 वेरिएंट्स हैं उनमें भी जर्मनी के MTU इंजन्स 1400 हॉर्स पावर के MTU इंजन्स फिट हैं और करंटली 124 अर्जुन Mk1 वेरिएंट्स इंडियन आर्मी में ऑपरेशनल हैं। नाउ MTU ने कम्युनिकेट किया है कि दे नीड एटलीस्ट 48 मंथ्स, दैट इज़ 4 ईयर्स, टू रीस्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ दीज इंजन्स। इसका रीज़न ये है कि MTU की टैंक इंजन्स की प्रोडक्शन लाइन अभी इनएक्टिव है, क्योंकि देखा जाए तो अर्जुन Mk1 वेरिएंट्स की डिलीवरी इंडियन आर्मी को 2012 में ही हो चुकी थी। सो द इंजन्स फॉर दैट 124 यूनिट्स वर प्रिक्योर्ड वे बैक इन द 2000s। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि जर्मनी की जो टैंक इंजन्स की फ्लीट है बहुत ही लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें इंडिया, USA, चाइना और रशिया। सो इन इंजन्स की कोई डोमेस्टिक, कोई लोकल डिमांड नहीं है। सो अगर ऑर्डर्स की कमी है तो ये तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन लाइन को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। सो दैट्स व्हाई दैट प्रोडक्शन लाइन ऑफ द टैंक इंजन इज़ नाउ क्लोज्ड। सो अभी इंडिया के केस में MTU को अपनी प्रोडक्शन लाइन को रिवाइव करने के लिए अपनी एंटायर सप्लाई चेन का दोबारा सेटअप करना पड़ेगा, लाइक पार्ट्स एंड सब असेंबलीज के लिए नए वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स विद द लोकल इंडस्ट्री। सो दिस होल प्रोसेस विल टेक टाइम। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस द लिमिटेड नंबर ऑफ इंजन्स ऑर्डर्ड बाय इंडिया या रिक्वायर्ड बाय इंडिया इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम टू रीस्टार्ट दैट प्रोडक्शन लाइन ऑफ द इंजन्स विच इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ये पहली बार नहीं है, जर्मनी की ओर से इससे पहले भी इंडिया को एक सेटबैक मिला था लास्ट ईयर, दैट इज़ रिलेटेड टू द MTU इंजन्स फॉर द इंडियाज लाइट टैंक प्रोग्राम। DRDO और प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टुब्रो द्वारा जॉइंटली डेवलप्ड लाइट टैंक जोरावर के प्रोटोटाइप एंड इसके बाद फ्यूचर में उनकी सीरियल प्रोडक्शन के लिए जर्मनी के MTU इंजन को चूज़ किया गया था, बट जर्मनी द्वारा इन इंजन्स की एक्सपोर्ट की अप्रूवल नहीं दी गई। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न जर्मनी द्वारा नहीं बताया गया था, बट इंडिया ने इसके बाद अमेरिकन क्यूमिंस इंजन्स को चूज़ किया। हालांकि इसके बाद DRDO के अकॉर्डिंग जर्मनी द्वारा इंजन्स की एक्सपोर्ट की अप्रूवल दे दी गई थी, बट इट वॉज डिसाइडेड टू गो विद द अमेरिकन इंजन्स फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट ऑफ लाइट टैंक्स, दैट इज़ 354 यूनिट्स ऑफ जोरावर प्लान्ड टू बी इंडक्टेड इन टू द इंडियन आर्मी इन फ्यूचर। एंड करंटली अ प्रोटोटाइप ऑफ जोरावर इज़ अंडर ट्रायल्स बाय द DRDO। लास्ट मंथ जनवरी में ही DRDO ने इसके इंटरनल ट्रायल्स स्टार्ट किए थे और इसके इन ट्रायल्स के बाद इसको फिर यूज़र ट्रायल्स के लिए आर्मी को हैंड ओवर किया जाएगा फॉर द समर ट्रायल्स इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ राजस्थान, एंड आफ्टर दैट फॉर द विंटर ट्रायल्स इन द हार्श एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर्स ऑफ द लद्दाख फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। बट नाउ वट अबाउट द डिलीवरी ऑफ दीज टैंक्स?
तो ANI के अकॉर्डिंग कुछ स्पेयर इंजन्स ऑलरेडी डेवलपमेंट एजेंसीज के पास हैं जिनको इनिशियल यूनिट्स में यूज़ किया जाएगा। सो इस साल डिलीवर होने वाली 5 यूनिट्स की डिलीवरी प्रॉबेबली डिले नहीं होगी, बट देखा जाए द होल डिलीवरी शेड्यूल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन अ हिट। सो व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ अर्जुन टैंक्स? इसके सॉल्यूशन पर भी DRDO द्वारा वर्क स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली DRDO एंड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड दैट इज BEML ज्वाइंटली इंडिया के फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक्स के इंजन्स की डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, और दैट इज़ दातरान 1500 हॉर्स पावर इंजन। और ये फ्यूचर टैंक्स 2030 के बाद इंडियन आर्मी के रशियन ओरिजिन T-72 टैंक्स को रिप्लेस करेंगे, एंड पॉसिबली इस साल इंडियन आर्मी इन फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू कर सकती है। और लास्ट ईयर इस दातरान इंजन की इनिशियल टेस्टिंग का फेज स्टार्ट हुआ था, एंड DRDO के अकॉर्डिंग अभी 3 से 4 साल में इन इंजन्स की प्रोडक्शन ये इंजन्स प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अर्जुन टैंक को जर्मनी के MTU इंजन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है, सो इस इंजन में कुछ चेंजेस किए बिना इसको अर्जुन में फिट नहीं किया जा सकता, यूज़ नहीं किया जा सकता। सो अभी DRDO द्वारा इस इंजन में रिक्वायर्ड डिज़ाइन मॉडिफिकेशंस या कुछ एडजस्टमेंट्स पर अभी काम किया जा रहा है टू मेक इट कंपैटिबल फॉर दीज अर्जुन हंटर किलर्स। और डिज़ाइन मॉडिफिकेशन के बाद इंजन की पहले सेपरेट टेस्टिंग होगी, एंड इसके बाद फिर कंबाइंड टेस्टिंग बाय इंटीग्रेटिंग इट इनटू द टैंक टू असेस द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन। सो दिस होल प्रोसेस मे टेक सम एडिशनल टाइम बिफोर द फाइनल इंटीग्रेशन इनटू द टैंक। न्यू इंजन्स के अलावा इशू एक और भी है, वो है अर्जुन टैंक्स की एग्जिस्टिंग फ्लीट के इंजन्स की मेंटेनेंस एंड रिपेयर की प्रॉब्लम। इन 2015 इट वॉज रिपोर्टेड दैट अ सिग्निफिकेंट फ्लीट ऑफ अर्जुन टैंक्स वॉज ग्राउंडेड ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ द इंजन एंड अदर टेक्निकल इशूज। सो ये प्रॉब्लम तो राइज होती है जब किसी मिलिट्री हार्डवेयर में हाई इम्पोर्टेड कॉन्टेंट का यूज़ किया गया हो, बट इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए भी इंजन्स फैक्ट्री आवड़ी अपने लेवल पर काम कर रही है। लास्ट मंथ जनवरी में इंजन्स फैक्ट्री द्वारा इस अर्जुन टैंक के एक इंजन की रिपेयर पर काम स्टार्ट किया गया था, जिसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया, एंड दैट इज़ विदाउट एनी फॉरेन हेल्प, विदाउट द हेल्प ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ द इंजन, दैट इज़ द MTU, एंड इट वॉज सेट बाय द ऑफिशियल्स ऑफ इंजन्स फैक्ट्री आवड़ी दैट आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ द टैंक विद द रिपेयर्ड इंजन इट वुड बी अ ह्यूज सक्सेस फॉर द इंडिजिनस मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ द फॉरेन इंजन्स। बट क्वेश्चन ये है कि इंजन्स के कारण टैंक्स की डिलीवरी पर क्या असर पड़ेगा या फिर कितना डिले हो सकता है, एंड दिस विल ओनली टेल टाइम। बट जो ओरिजिनल डिलीवरी शेड्यूल था टैंक्स का वो कुछ इस प्रकार था। 2021 में जब MOD ने इन टैंक्स का ऑर्डर प्लेस किया था, तो उसके 30 महीनों के बाद यानी कि इस साल 5 टैंक्स की डिलीवरी स्टार्ट होनी थी, एंड इसके बाद रिमेनिंग 113 यूनिट्स की डिलीवरी 30 यूनिट्स पर ईयर के हिसाब से। बट नाउ इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंजन्स।